आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग और सी लैंग्वेज। सो सी लैंग्वेज का चैप्टर 1 आज स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें हम ये सीखेंगे कि सी लैंग्वेज होता क्या है, बेसिकली सी लैंग्वेज किस टाइप की लैंग्वेज है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सी लैंग्वेज है क्या। तो सी लैंग्वेज इज कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स, वन is called as C, another is language. So first of all, we should all know what is language. So आपको तो पता ही होगा, it is a medium through which we communicate with each other. In the similar manner, जैसे computers आते गए, वैसे ही computer language बनी. वो क्या हो गई? It is a medium through which we communicate with computers. Very good. फिर जैसे जैसे कंप्यूटर्स आए, वैसे वैसे जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इजंट इट। तो जनरेशंस जैसे जैसे आती गई, वैसे वैसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी आती गई। तो इसीलिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस को टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हमने कैटेगराइज किया। तो वो कौन सी होगी? लो लेवल और हाई लेवल। जब हम लो लेवल की बात करें तो लो लेवल फिर मशीन लैंग्वेज आ गई, असेंबली लैंग्वेज आ गई। तो ऑब्वियसली बात है, मशीन लैंग्वेज एज नेम इंडिकेट्स, इट वाज अ बाइनरी लैंग्वेज व्हिच वाज अंडरस्टूड बाय मशीन। दैट इज जो हमें पता है टेक्निकली कि आज भी कंप्यूटर हमारा क्या अंडरस्टैंड करता है, जीरो और वन। सो उसमें कुछ चेंजेस लाई गई और फिर बनी असेंबली लैंग्वेज। छोटी मोटी बातें आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ ली होंगी। सो अब हम मूव करते हैं कि हमारी सी लैंग्वेज कौन सी कैटेगरी में आई। सी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो जब हाई लेवल लैंग्वेज आई तो लो लेवल में कुछ फीचर्स ऐसे थे जिसकी वजह से हम जहां तक उनको चला सकते थे वहां तक हमने उनको चलाया। इट्स वेरी सिमिलर टू दैट, अगर आपके पास कोई चीज़ है और आपका उससे आप पूरा का पूरा काम नहीं ले पा रहे हैं, तो जब तक आप नई चीज़ नहीं लाएंगे तब तक आप उसी से काम चलाएंगे, isn't it? So उसी तरह से जब हाई लेवल लैंग्वेजेस आई तो मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, जैसे फोट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए हो गया, बिजनेस के लिए हो गया, बेसिक लैंग्वेज हो गई, फिर BCPL आई, और फिर BCPL लैंग्वेज के साथ में ही एक बी लेवल लैंग्वेज आई, और बी लेवल लैंग्वेज को मॉडिफाई किया गया किसमें? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो हो गई वो क्या हो गई? बी अल्फाबेट के बाद सी, इसी तरह से उसको मॉडिफाई किया गया। जनरली बच्चों को ये लगता है कि सी का मतलब है कंप्यूटर लैंग्वेज, या सी की एब्रिवेशन होती है कंप्यूटर, ऐसा कुछ नहीं है। बी लैंग्वेज के बाद आ जाती है, अल्फाबेट इज सी। तो जो उसके डेवलपर थे, क्योंकि डेवलप ही होगी लैंग्वेज, इन्वेंट तो नहीं होगी, ऑलरेडी बनी थी, तो डेवलप यानी कि उसमें कुछ चेंजेस लाई गई BCPL से बी लैंग्वेज, बी लैंग्वेज से फिर सी लैंग्वेज, उसमें कुछ मॉडिफाई किया गया। और उसने जो साइंटिस्ट था जिनका नाम था, आप सबको पता ही होगा, डेनियस रिची, इन 1970s में उसने वो लैंग्वेज को डेवलप किया। अब आज के सिनेरियो में जब बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो वाई सी लैंग्वेज? तो हमें ये पता चलना चाहिए उसके बारे में। सो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, और क्यों? क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल एज पावर ऑफ लो लैंग्वेज है। ताकि हम इसको मशीन लेवल पे भी काम करवा सकते हैं, और GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस के लिए भी काम करवा सकते हैं। इनमें बहुत सारे हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो हम आगे आगे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, जो कि GUI भी हो सकती हैं, CUI भी। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा GUI और CUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कंसोल यूजर इंटरफेस। सो इसमें क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से ये पहले भी पढ़ी जाती थी, आज भी पढ़ी जा रही है और आगे भी पढ़ी जाएगी? सो ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो सभी एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है,
जैसे आप देख रहे हैं इसमें मैंने लिखा है, इसमें ये बेसिकली है तो छोटी सी लैंग्वेज, इसमें 32 इंग्लिश की वर्ड्स होंगे जिनको हम कीवर्ड्स बोलेंगे, वो हम सब पढ़ने वाले हैं आगे। अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं कि भाई सी लैंग्वेज में क्या ऐसी चीज है जो हमने आगे करनी है। और इस लैंग्वेज की सबसे खास बात थी कि ये पोर्टेबल थी। पोर्टेबल का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर पे अगर हमने कोई प्रोग्राम किया या कोई काम किया तो हम उस कंप्यूटर का काम किसी दूसरी जगह पे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो तो आपको पता ही होगा। जब भी आप कंप्यूटर्स मार्केट से परचेज करते हैं तो जो सबसे पहले उसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है, कोई लैपटॉप लेके आ जाते हैं या कोई भी आप लाते हैं सॉफ्टवेयर, जिस उससे पहले आपको क्या इंस्टॉल करवाना पड़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तभी आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आपने सीख लिया कि सी लैंग्वेज कहाँ से आई है, सी लैंग्वेज क्यों की जाए, तो अब मन में ये क्यूरियोसिटी होगी कि सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कैसे है। सो हम देखेंगे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम, यानी कि आज के बाद स्क्रीन पे कहीं पे भी आप किसी कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, हायर क्लासेस में हैं, कहीं पे भी कंप्यूटर लैब में कोई भी आपको ऐसा काम करता हुआ दिखेगा जिसमें मेन लिखा होगा, कुछ गोल सी ये ब्रैकेट्स होंगी, इनको हम क्या बोलते हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ओपनिंग होगी, क्लोजिंग ब्रेसेस होंगे, कुछ बीच में वेरिएबल्स लिखे होंगे, कुछ स्टेटमेंट्स होंगी और कुछ ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। वो ऐसी कोई स्क्रीन आपको दिखे तो आपने तब समझ जाना है कि ये जो है सी लैंग्वेज का ही प्रोग्राम हो सकता है। क्यों? क्योंकि एवरी सी प्रोग्राम इज स्टार्टिंग विद मी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब अगर हमें सी प्रोग्राम करना है तो कैसे किए, तो हम उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम। सो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? सो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम जो होएगा वो हमें तीन पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक हम प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, उसको हम कंपाइल करेंगे और हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि चलिए अब हम ये देखते हैं कि प्रैक्टिकली सी लैंग्वेज और सी प्रोग्रामिंग को हमें जिस सॉफ्टवेयर में काम करना है वो सॉफ्टवेयर हमें कहाँ से मिलेगा। अगर आपके सिस्टम में वो नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे, वेब ब्राउज़र में, कोई भी वेब ब्राउज़र, और वहाँ पे हम टाइप करेंगे टर्बो सी, और आप सी लिख सकते हैं, सी लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या टाइप करने वाले हैं, हम टाइप करने वाले हैं टर्बो इज़ अ कंपनी नेम। हमने जो ही टर्बो करके लिखने लगेंगे हम, तो अपने आप ये लिंक आ जाएगा टर्बो सी प्लस प्लस और टर्बो सी, और ऐसे बहुत सारे लिंक आपके सिस्टम पे भी आएंगे। क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो विंडो 10 है तो मैं उसके लिए डाउनलोड करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी वर्जन आपका आपके विंडोज़ का है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है, आप उसके अकॉर्डिंगली उसको लिखेंगे और डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे। आप टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड विंडो 10 किया मैंने, तो आप देखेंगे जो ही हम एंटर करेंगे तो फर्स्ट लिंक जो आपको मिलने वाला है उस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फाइल आएगी, ठीक है, जो zip फाइल में होगी, जिसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने उसको डाउनलोड किया हुआ है। आप डाउनलोड करेंगे लाइक दिस, टर्बो सी करके आएगा, राइट। और जो भी अगर हमने दो बार डाउनलोड किया है तो उसके आगे 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी डाउनलोड करके रखा हुआ है। सो फिर उसके बाद आप उस पर राइट क्लिक करने वाले हैं और उसको क्या करते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट, एक्सट्रैक्ट फाइल्स करते हैं। फिर ये आपसे पूछेगा लोकेशन, तो आप जनरली इसको अपनी लोकल डिस्क में ही रखते हैं और ये पूरा पाथ, यहाँ से पूरा का पूरा पाथ आप क्या कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, राइट। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको रखा हुआ है सो मैं वापस से ओके नहीं करूँगी। आप जस्ट उसको देखिए, सी कॉलन स्लैश
टर्बो C3। इफ यू वॉन्ट टू चेंज दिस नेम ऑल्सो यू कैन चेंज इट। आप कुछ भी रखिए बट आपको याद रखना है क्योंकि ये तो फोल्डर का नाम ही है। इस फोल्डर के नाम को आप चेंज कर सकते हैं, आप अपना नाम रख सकते हैं, बट जब आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो कीप इन माइंड कि आपको ये नाम पता होना चाहिए और यही नाम आपने वहां पे भी यूज करना है, बिकॉज दिस इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर फोल्डर, राइट। आप यहाँ से ओके करते हैं, ओके करते ही आपकी फाइल्स सारी की सारी लोकल डिस्क में कहाँ चली जाएंगी, TC फोल्डर के अंदर। ओके, तो जैसे अभी हम देखते हैं हमने कहाँ पे रखा हुआ है, हमने हमारी लोकल डिस्क में अगर हम देखें तो देखें मैंने टर्बो सी के अंदर रखा हुआ है और ये मेरा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि अब हमें इस टर्बो सी को ऑन करना है तो कैसे, जब हम इसका सेटअप ऑन करेंगे तो अपने आप आपके पास टर्बो सी का आइकन कह लीजिए, शॉर्टकट कह लीजिए, वो आपके पास आ जाएगा। तो आप उस शॉर्टकट को जो ही डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे C++ और C, क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर गया है, राइट। तो ये आपके पास ये सॉफ्टवेयर आ गया। सॉफ्टवेयर पे क्या करेंगे आप, स्टार्ट टर्बो C++ जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करने वाले हैं। इस पे क्लिक करते लिखा तो इस पे C++ है, लेकिन इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज मेड फॉर बोथ सी लैंग्वेज एंड फॉर C++। डिफरेंस कहाँ पे आएगा प्रैक्टिकल करने पे, वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो हमें हर एक चैप्टर में एक एक करके समझ आने वाला है। सो हम यहाँ पहले क्लिक कर देते हैं, क्लिक करके देखिए अब ये हमारे पास वहां पे उस सॉफ्टवेयर के पास आपको ले जाएगा जहाँ पे हमें काम करना है, राइट। अगर तो आपके घर में PC है, यानी कि जैसे लैब्स में होते हैं, कंप्यूटर लैब्स में आपके PC है, तो आप कीबोर्ड की हेल्प से बहुत इजीली इसको इंटरैक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप से थोड़ा सा आपको कह लीजिए शॉर्टकट्स करने में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं। तो आप माउस से क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में जब आप आएंगे इसको पहले तो क्लोज कर दीजिए, ये हर एक के सिस्टम में ऐसे ही आएगा। और आपने न्यू फाइल बना ली है तो न्यू फाइल आपके पास आ गई। यहाँ पे एक्चुअल में जिसको हमने कहा था कंपाइल, क्रिएशन, एग्जीक्यूशन, जितना भी काम होना है वो सारा का सारा जो है वो यही इसी विंडो पे होना है। अब कैसे होना है, तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जब वो प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं सी या सी प्लस प्लस का, चाहे वो विजुअल स्टूडियो में करें या चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर में करें, सबसे पहला जो डिफरेंस उनको ये नहीं पता होता है कि उनका एक्सटेंशन जो होता है, भले आपका प्रोग्राम रन हो जाए या एग्जीक्यूट हो जाए या आपको आउटपुट दिखा दे, बट आपका एक्सटेंशन जो ये दिख रहा है आपको, ये सबसे पहले आपको रेक्टिफाई करना होता है। और इस एक्सटेंशन को आप रेक्टिफाई क्यों करते हैं, द रीज़न इज कि बाय डिफॉल्ट क्योंकि ये C++ का सॉफ्टवेयर है तो इसीलिए देखिए C++, तो ये एक्सटेंशन जैसे हमारे सरनेम होते हैं, कोई किसी सरनेम का होता है, कोई किसी सरनेम का होता है। एक क्लास में अगर दो बच्चे हैं XYZ और उनके सरनेम सेम हैं तो बहुत डिफिकल्टी होगी उनको रिकॉग्नाइज करने में। अब दूसरे केस में दोनों सेम नाम के हैं बट सरनेम अलग अलग हैं तो वी कैन रिकॉग्नाइज इजीली देम, isn't it? So, हमें सबसे पहला काम जो करना होता है, हमेशा याद रखिए, एज अ गुड प्रोग्रामर, एज अ गुड इंजीनियर, एज अ गुड स्टूडेंट, आपको सबसे पहले इसको फाइल में जाना है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं। आप सेव करने के बाद देखिए जहां मेरा सॉफ्टवेयर है आप यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे इसको बैकस्पेस जैसे मैं कर रही हूँ ऐसा कर दीजिए और यहाँ पे जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो आप नाम सी। सो दिस इज माई फाइल नाउ, जो अब आपकी यहाँ पे ये CPP है, नो नेम मतलब कोई अभी नाम नहीं दिया है इसको, अब हमने क्या नाम दे दिया BB.C। तो अब मेरी फाइल जो हो जाएगी वो बन जाएगी BB.C। अभी भी यहाँ पे ये जो एरिया मैसेज वाला एरिया है ये हमारे लिए कोई यूज का अभी नहीं है, तो हम इसको चाहेंगे कि हमारी स्क्रीन जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं इसको। एक बार क्लिक करेंगे ये राइट कॉर्नर पे एरो पे यहाँ क्लिक करेंगे। बेसिकली क्या है कि कोई भी आप चीज, कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो छोटा सॉफ्टवेयर हो बड़ा हो,
उसकी बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक्स नहीं समझते हैं ना, तो तब तक सारा कुछ हवा में ही रहता है, और वो हवा में रहने की वजह से हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है स्टूडेंट को वो डिफ़िकल्ट लगनी पड़ती है, और वो स्टार्ट से ही जो डिफ़िकल्ट लगने स्टार्ट हो जाती है तो वो थ्रू आउट एंड तक डिफ़िकल्ट ही लगती है। तो इस प्रकार से जब आप जाने वाले हैं तो कभी भी आपको कोई भी लैंग्वेज जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। अब हम हमारे इस सॉफ्टवेयर में आए हैं, इस सॉफ्टवेयर को हम कंपाइलर भी बोलते हैं। क्यों कंपाइलर बोलते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, कंपाइल लिखा हुआ है यहाँ कहीं ना कहीं, इसकी वजह से नहीं। कंपाइलर मीन्स जो एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है दूसरी लैंग्वेज में, राइट। इट इज़ अ टाइप ऑफ यू कैन से ट्रांसलेटर, जो हमारा जो टाइप किया हुआ है वो इसको कोड करके वापस हमें हमारी फॉर्म में ही देने वाला है। तो हम इसको शॉर्ट में कहेंगे कि एक टाइप का ट्रांसलेटर है, जिसमें हम हमारी कोई चीज़ें काम करेंगे और वो हमें हमारे ही फॉर्म में हमें आउटपुट भी देने वाला है। इसके बारे में, ट्रांसलेटर्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, व्हाट आर द ट्रांसलेटर्स, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। बट अभी जो है कॉन्सेंट्रेट हमें करना है कि हम आज इस चैप्टर में एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा हाउ वी क्रिएट द सी प्रोग्राम, हाउ वी एग्जीक्यूट द सी प्रोग्राम, एंड हाउ वी रन द सी प्रोग्राम, एंड हाउ वी चेक द आउट। चलिए अब हम ये देखते हैं कि सी प्रोग्राम को प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे। सो उसके लिए हमें सी का सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा, यानी कि कंपाइलर ओपन करना पड़ेगा, और फिर हमने वो वाली फाइल ओपन कर दी। आप फाइल में जाके ओपन कर सकते हैं, तो आपने ओपन करनी है, और ओपन करने के बाद वी विल राइट द प्रोग्राम। सपोज वी स्टार्ट विदाउट आवर डायरेक्टिव फाइल्स, सो वी स्टार्ट विद मेन विद द ओपनिंग, जैसा हमने सीखा है ऑलरेडी। तो यहाँ कोई भी मैसेज अगर आपको डिस्प्ले कराना है, उसके लिए हमें printf लिखना पड़ता है। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो अभी हम एक प्रोग्राम को जस्ट रन करके देखते हैं, जिसमें हमने लिखा हेलो हाउ आर यू। सो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमने क्या किया, लिख लिया भाई हेलो हाउ आर यू, और हमने ओपनिंग अभी तक हमें कहा था स्टेटमेंट लिखना है और क्लोजिंग करना है, तो वो तो हमने कर दिया। अब जाके हम इसको क्या करेंगे, क्रिएट तो हमने कर दिया है, क्रिएशन तो हमारी हो गई। सेकेंड स्टेप था कंपाइल करना। ज़रा देखें कंपाइल करके, तो कंपाइल के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपाइल वाले मेन्यू पे क्लिक करिए, या आपके पास अगर कीबोर्ड है तो आप ऑल्ट प्लस F9 का शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे और आप क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से मैसेज आएगा। मैसेज क्या आएगा, वन वार्निंग इज देयर, टू एरर्स आर देयर। सो फर्स्ट प्रोग्राम में ही हमारे पास एरर आए, तो जरा देखते हैं कि ये एरर क्या है। ये एरर मैंने डेलिबरेटली आपके लिए किए हैं क्योंकि आप बिगनर हैं। अगर आप जनरली टीचर्स क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, और आप कन्फ्यूजन में रहते हैं, और ये जो स्टार्ट की कन्फ्यूजन होती है ये एंड तक कन्फ्यूजन में ही रहती है। सो देखिए ज़रा, अभी हमने देखे कि हमारे पास एरर आए हैं, इन एरर्स को क्लिक करिए यहाँ पे, तो ये आपको बताएगा स्टेटमेंट मिसिंग सेमी कॉलन, जो कि मैंने आपका थ्योरी में नहीं बताया था अभी। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हम कोई सी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके एंड में आपको हमेशा सेमी कॉलन लगाना है। ज़रा फिर से चेक करके देखें हम प्रोग्राम। सो कंपाइल करेंगे, अरे हमारा एरर तो गायब हो गया, दो की जगह पे तो कोई भी एरर नहीं है, अब तो ज़ीरो एरर है। ओके, लेट वी टॉक अबाउट दिस वार्निंग। दिस वार्निंग इज रिलेटेड टू फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। आप देखिएगा, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट ये सॉफ्टवेयर जो है, सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर है, और सी प्लस प्लस ये कहता है कि जहाँ पे भी ओपनिंग, ये गोल ब्रैकेट अभी आप मान के चलेंगे, हम टेक्निकली इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं, राइट। आप आगे जाके हम सेकेंड चैप्टर में सारे रूल्स और डिलिमिटर्स भी पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा इसको हम राउंड ब्रैकेट ना कह के पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो पैरेंथेसिस जहाँ होंगे तो हम उनको फंक्शंस बोलते हैं। जैसे printf के भी यहाँ पे पैरेंथेसिस है, तो इसको भी हमने क्या कहा, फंक्शंस। तो वो कहता है C++ जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ वैल्यू को जब वापस आते हैं
काम करके तो कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। तो इसलिए आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा इंट करके होता है मेन, चाहे आप एडवांस प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, C++ पढ़ते हैं या सी भी कहीं बुक्स में मेंशन करते हैं, तो ऑथर्स या टीचर्स भी इंट मेन लिखना स्टार्ट कर देते हैं इंट, जबकि ये सी के लिए कंपलसरी नहीं है। बट हाँ, अगर ये चीज़ C++ में हम करें जो आपकी आगे की लैंग्वेज है, उसके लिए आपको इंट लिखना ज़रूरी है। लेकिन इस प्रोग्रामिंग के लिए आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा, राइट? तो आप कंपाइल करिए, अभी आपको कंपाइल करेगा और वार्निंग देगा। वार्निंग इज वेरी सिमिलर टू दैट, कोई आपको सजेशन दे रहा है, भाई आप कर लीजिए इसको ठीक, आपकी मर्जी है, आपने सजेशन लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो नहीं लो। लेकिन C++ में यही सजेशन ऑर्डर में हो जाती है, यानी कि एरर में आ जाता है। जैसे कोई आपको ऑर्डर देगा तो आपको फॉलो करना है, लेकिन अगर वार्निंग है यानी कि सजेशन है, इट्स योर चॉइस कि आप उसको रखना चाहते हैं या नहीं। सो हम इसको एज इट इज रखेंगे, तो हमारा प्रोग्राम वैसे तो एरर जीरो बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम का हमारा सेकंड पार्ट तो हो गया। तो हमने क्या कहा था, सेकंड पार्ट वाज व्हाट, फर्स्ट वाज क्रिएशन हो गया, सेकंड वाज कंपाइलेशन हो गया। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे कि क्या हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे, रन वाले मेन्यू में जाएंगे, जहाँ Ctrl+F9 शॉर्टकट है, आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। आप रन करिए तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन आपने रन किया, आपको तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, अब क्या करें। उसके लिए अभी फिलहाल के लिए इस चैप्टर में हम डायरेक्टली कहाँ से करेंगे रन, आप कंपाइल, जहाँ आपने मेक कंपाइल किया फिर आपने रन किया, आप क्या करेंगे, आप विंडो में जाके यहाँ पे, ये विंडोज़ जो आपकी दिख रही हैं, यहाँ पे आप आउटपुट विंडो पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है। देखिए, हेलो हाउ आर यू दिखाई दे रहा है, राइट? लेकिन ये तो हमारे लिए नहीं था, हमने तो डायरेक्ट रन कराना था। बट ये तो कहाँ पे, हमें कहाँ जाना पड़ रहा है, हमें विंडो पे जाना पड़ रहा है, हमें आउटपुट पे जाना पड़ रहा है, फिर हमें दिखते। तो इस प्रॉब्लम को हम कहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट में। सो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, हम ये नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे, कुछ इसके डिलिमिटर्स देखेंगे, प्रिंटएफ के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्टरीज के बारे में पढ़ेंगे, और ये देखेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें रन पे ही क्लिक करके हमारा आउटपुट जो है वो आ जाए। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू।